सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। धैर्य ही वह चाबी है जो हर दरवाजे को खोल सकती है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। कभी किसी के बराबर ना होना और कभी अपने आप को किसी से कम मत समझना। आज का पंचांग 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 6:16 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र रात्रि 3:31 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 10:40 से 11:41 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर ही रहेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 1 नवंबर को 6:16 से हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर को मनाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है जहाँ पर जल्द ही प्रत्येक दिन एक सब्सक्राइबर का कुंडली बनाकर दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो जल्द ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कुंभ राशि 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार, ग्रहों की स्थिति आपको आज बहुत अधिक सामाजिक होने को कह रही है। आप दूसरों से बातचीत के माध्यम से अपनी जीवन शैली और करियर में बदलाव लाना चाहते हैं। जो कुछ आपने सोचा है वह सब करने की कोशिश करें। आप जो भी करना चाहते हैं उस पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी ना लें। रोजाना की कड़ी मेहनत से आप पुरस्कृत महसूस कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर मिलेंगे। नए प्रशिक्षण या क्लास का लाभ उठाएं। धन संबंधित चिंताएं जल्दी ही हल हो सकती है। आज अच्छे और रोचक लोगों का साथ मिल सकता है। लंबी दोस्ती या गठबंधन आपके जीवन को नया मतलब प्रदान करेगा। किसी नजदीकी संबंधी को आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। सफल लोग दूसरों की मदद के लिए अवसर तलाशते हैं जबकि असफल लोग हर काम में अपना फायदा ही ढूंढते हैं। आज के दिन आपके लिए उलझनी लेकर आने वाला रहेगा। आपको अपने दिनचर्या को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। आप अपने कामों में कुछ बदलाव कर सकती हैं। आप अपनी जरूरत की कुछ वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकती हैं। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आपके परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई पुरस्कार मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में एकाग्र होकर जुड़ना होगा। घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इस राशि के जातक आज कमाई से आनंदित होंगे। सुबह से आज आपको सक्रिय रहकर घर और बाहर का काम निपटाना होगा, नहीं तो जीवन साथी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। आपको आज बड़े भाई से लाभ और सहयोग मिल सकता है। किसी सामाजिक कार्य में आज आप भाग ले सकते हैं। आपकी घर आज मित्रों और पड़ोसियों के आने से खुशी होगी। आपके लिए सलाह है कि अति उत्साह में जोखिम लेने से बचें और अपने किसी सामान का भी ध्यान रखें। शाम का समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। बच्चों की ओर से खुशी भी मिलेगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। प्रॉपर्टी अथवा अन्य किसी काम को लेकर कोई नजदीकी यात्रा का प्लान बनेगा। आप अपने विश्वास और कार्य क्षमता द्वारा स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। किसी उद्देश्य को आपने हासिल किया है उसका आनंद लेना सीखें। कार्य विस्तार के बारे में अगले कुछ दिनों के बाद विचार करना आपके लिए कठिन होगा। भविष्य से संबंधित बातों का विस्तार करने से नकारात्मकता बढ़ेगी। चिंता के कारण गलत निर्णय लेने की संभावना है।
वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव लाने की कोशिश में वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव लाने की कोशिश से नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन करने से बचना होगा। काम के जगह होने वाली समस्या का समाधान मिलेगा, इस कारण कार्य क्षमता पर विश्वास बढ़ने लगेगा। रिलेशनशिप ठीक रहेगा, फिर भी एक दूसरे के साथ का संवाद और बेहतर बने, इस बात का ध्यान रखें। आंखों से संबंधित तकलीफ बढ़ने की भी संभावना है। सावधानिया, रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहें। वित्तीय मामलों में हिसाब किताब करते समय सावधानी बरती। नुकसान होने की भी स्थिति बन रही है, वाहन चलाते समय भी सावधानी बरती। घर की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज न करें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजनों के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम बनेगा। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से विवाह में परिणत होने के अवसर भी बनेंगे। आपको किसी मजाक या आदमी के साथ बहुत मजे करने का मौका मिलेगा। वह आपके दिल के बहुत करीब भी है और आपको कोई ऐसी ही हम सफर चाहिए। दूसरे की उन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जिनमें वे आदर्श पार्टनर के बारे में बताते हैं। व्यवहारिक और संदेहशील बने। अगर आपको वास्तविकता कुछ रास नहीं आ रही है तो आप इसे सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपके अधीनस्थ या सहकर्मी आज आपकी चिंता या उदासी का कारण बन सकते हैं। आपकी लव लाइफ अभी एक परियों की कहानी की तरह है। लव बर्ड्स के बीच की घनिष्ठता बढ़ रही है। इस समय आपके लिए प्यार के एक स्पर्श से बढ़कर जीवन में और कुछ भी नहीं है। आज कुछ रोचक और श्रेष्ठ लोगों का आपके जीवन में आगमन हो सकता है जो प्रभावित करेंगे। अपने साथी का खास ख्याल रखें क्योंकि उन्हें आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। अपने रोमांटिक जीवन को महकाने के लिए अभी कुछ खास प्रयास करके अपनी प्रिय को खुश करें। बात करते हैं करियर की। प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। अपनी उदासी और अकेलेपन को दूर करने के लिए दोस्तों के साथ का सहारा लें। प्रतियोगिता न केवल प्रेरित करती है बल्कि इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। चोट या दुर्घटना से बचने के लिए आज ड्राइव करने से बचें। यह समय अपने पार्टनर के तरीके को बदलने का है। अच्छे और रोचक लोग आपका हर तरह से सहयोग करेंगे। विदेश यात्रा या संपर्क का भी योग है जिससे आपके करियर को लाभ होगा और व्यापार में भी विकास होगा। आपके करीबी लोगों को भी आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। सफलता ही एकमात्र कुंजी है कड़ी मेहनत करना। अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के आज योग बन रही हैं। आपको ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था। आज आप अपने निष्क्रिय निवेश के ऊपर भी ध्यान दे सकती हैं और वहां से भी आपको शुभ संदेश मिल सकता है। अगर किसी ने आपको उधार दिया है और इसे आप लगभग भूल चुके हैं वहां से और जिसे आप लगभग भूल चुके हैं वहां से भी धन प्राप्ति का शुभ संदेश मिल सकता है। व्यवसाय गतिविधियों में सुधार आएगा। सहयोगियों तथा कर्मचारियों की सलाह पर भी ध्यान दें। आपको कोई समाधान भी मिल सकता है। मीडिया तथा कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बनेगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार रह सकता है। बात करते हैं सेहत की। वर्तमान मौसम की वजह से स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना उचित नहीं है। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करते रहें। अच्छी नींद नहीं ले पा रही हैं। अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो आपको अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी। इसलिए बिस्तर से उठने और सोने का एक निश्चित कार्यक्रम बनाएं और अच्छे से उसका पालन करें। बेहतर मार्गदर्शन के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और माने जो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखने को कहेगी। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।